हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक रिव्यू देने वाली हूँ। आज का वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बिकॉज़ ब्लॉग के साथ साथ मैं जो चीज़ें मंगाती हूँ उन चीज़ों का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो अभी हाल ही में मैंने अपने लिए एक हेयर स्ट्रेटनर विद हेयर कर्लर एंड विद हेयर क्रीम पर वो मैंने मंगवाया है, जो कि 3 in 1 है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार मंगवा के देखती हूँ कि इससे कैसा क्या काम हो रहा है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो एक बार में मुझे 3 चीज़ें मिल जाएंगी, और कभी ट्रैवल वगैरह में कहीं जाना होता है तो वहाँ पे हम एक ही चीज़ रख के और तीनों चीज़ों को हम एक साथ में कर सकते हैं। कभी हमारा मन कर गया हमारी हेयर्स को क्रीम करने का तो क्रीम कर लिया, कभी मन कर गया कर्ल करने का तो कर्ल कर लिया, कभी मन कर गया स्ट्रेट करने का तो स्ट्रेट कर लिया। सो ये है मेरे नेचुरल हेयर, जो कि मैंने अभी आज ही हेयर वॉश किया है। सो ये नेचुरल हेयर्स है मेरे, और इन्हीं पे मैं आप लोगों को एक तरीके से रिव्यू प्लस डेमो दोनों होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम मैं हेयर कर्ल करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं हेयर कर्ल स्ट्रेट मतलब सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैं चाहती थी कि मैं एक बार इसको यूज़ करूँ। मैं काफ़ी लड़कियों को देखती थी हेयर कर्ल करे हुए, पार्टी में हेयर कर्ल करती थी, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी ये चीज़ करके देखूँ। तो फाइनली मैंने मंगवा लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, तो 2 दिन पहले ये मुझे रिसीव हुआ था, बट 2 दिन पहले मैं किसी वजह से नहीं बना पाई वीडियो। सो ये इस तरीके से पॉलिथीन में ही करके मैंने चेक करके फिर उसके बाद मैंने दोबारा से वैसे ही रख दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी है। तो ये देखो, ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मुझे मिला था, ये आप देख सकते हो, वेगा 3 in 1। तो इसमें आप इसमें जो जो चीज़ें दी हुई है मैं वो आपको बता देती हूँ कि इस तरीके की पैकेजिंग है। पहले तो आप ये देख लो, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है नॉर्मली, बाल भी मेरे फंस रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है 2 इयर्स की वारंटी, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्लर स्ट्रेटनर और क्रिम पर। सो ये तीनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और 2 साल की वारंटी दी हुई है। और वेगा का ये है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा इजीली। और इसमें एक बटन दिया हुआ है स्विच टू एनी स्टाइल, मतलब किसी भी स्टाइल में करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। और सिरेमिक कोटेड प्लेटेड, इसमें बताया कि सिरेमिक कोटेड प्लेटेड हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको आप ओपन करके देखते हैं, इसमें ये भी दिया हुआ है कि पावर लेड इंडिकेटर, मीन्स इसमें जब ऑन होता है तो इसमें एक लाइट ऑन हो जाती है जिससे पता चलता है कि ये ऑन है या नहीं है। और इजी लॉक सिस्टम और 360 स्वीवेबल कॉर्ड, इसकी जो वो है डोरी डोरी, सो वो 360 मूव हो जाती है। तो इसको आप देखते हैं ओपन करके, ये कुछ इस तरीके की पॉलिथीन की पैकेजिंग में अंदर था जो मैंने एज इट इज रख दिया था। और उसके बाद कुछ इस तरीके की स्ट्रेटनर निकलता है, और उसके बाद कुछ ये इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो सारी चीज़ों पे दिए होते हैं इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करना है, और सारी चीज़ें हैं। और एक तरीके से ये वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें बताया कि आप इसको पढ़ लें यूज़ करने से पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए इसके बारे में। अभी जाना अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये देखो ये वाला जो बटन दिया हुआ है, जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं इसी से होती हैं। अगर हम इसको ऐसे दबा देंगे तो ये ऑन हो गया, क्रिम पर ऑन हो गया है। तो अब हमें क्रिम करना है तो क्रिम पर ऑन हो जाएगा और हम क्रिम कर लेंगे हेयर्स को। और अगर हमें क्रिम पर को ऑफ करना है तो हम इसको इसको इस तरीके से करके, और जो यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, तो जो है जिससे क्या है क्रिम पर, एक सेकेंड, इसमें क्रिम पर ऑफ हो गया है। अब स्ट्रेट करना है तो ये स्ट्रेटनर ऑन हो गया है, जब थोड़ा उधर की तरफ मैंने इसको बटन को किया है। और जब मुझे सिर्फ कर्लर यूज़ करना है, सिर्फ कर्लर यूज़ करना है, तो जो ये बटन है उसको मिड पार्ट में रखना है, मिड पार्ट में बिल्कुल बीचों बीच रखना है, तो जो है सिर्फ कर्लर ऑन होगा इससे। ये देखो मिड पार्ट में रखा है, अब मैं सिर्फ इसे कर्ल कर सकती हूँ। बस इसमें ये है कि जो हीट होती है उसको कम ज़्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो
तो अभी मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। लुकिंग वाइज तो अच्छा लग रहा है, और ये जो इसमें ये पूरा गर्म हो जाएगा, यहाँ से पकड़ने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जब करते हैं तो यहाँ से पकड़ने के लिए इस तरीके से ऑप्शन है। सो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सो अभी मैंने इसको प्लग इन कर लिया है, और अब इसका देखते हैं। सबसे पहले इसको ऑन कर देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा जो हीट है वो हो जाए। सो ये मैंने हेयर्स का सेक्शन ले लिया है, ये गर्म भी होना शुरू हो गई है। अब मैं इसे सबसे पहले कर्ल करती हूँ। गाइस कर्ल कैसे करते हैं मुझे पता ही नहीं है। निकल जा रहा है ये। डर भी लग रहा है मुझे कि कहीं मेरे बाल जो हैं जल ना जाएं, लेकिन फिर भी रिस्क के साथ मैं इसको कर रही हूँ। अभी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे इतना अच्छे से यूज़ करना आता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं करती रहूँगी तो मैं मुझे पता चल जाएगा। अब इसको खोल के देखते हैं। इस तरीके के कर्ल्स हुए हैं, आप देख सकते हो गाइस। मुझे यूज़ करना तो आता नहीं है, अब मैंने फर्स्ट टाइम किया है तो इस तरीके का हुआ है, और मुझे लग रहा है कि कर्लर भी अच्छा है, कर्लर अच्छा है मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मैं और इसको करके देखती हूँ। आई थिंक मुझे कम कम सेक्शन लेना चाहिए, तब ये और अच्छे से होगा। पर फिर भी काफ़ी अच्छे कर्ल्स लग रहे हैं गाइस, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मुझे बहुत अच्छे लग रहा है देख के। ये देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में लुकिंग वाइज। और मैंने क्या सोचा था कि जब मैं किसी शादी पार्टी में इसको कर्ल्स करूंगी ना, तो मैं इसमें एलोवेरा जेल लगा के करूंगी, ताकि और अच्छे मेरे कर्ल्स आए। बट ये भी कर्ल्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मीन्स बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। सो अब मैं इसमें यूज़ करके दिखाती हूँ आपको सेकंड चीज़, जो कि है क्रीम पर। तो क्रीम पर यूज़ करने के लिए, किधर है क्रीम पर यार, इसमें ना यही चीज़ समझ में नहीं आती है। नहीं, ये स्ट्रेटनर है। यस, क्रीम पर ऑन हो गया है। सो अब मैं क्रीम पर जो है वो इधर की साइड पे करती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि इसका क्रीम पर कैसा है। तो इस बार मैं थोड़ा सा कम सेक्शन लूँगी बालों का, ताकि जो है जो भी है अच्छे से हो पाए। या ये मैंने ले लिया है, और यस इस तरीके से करना है। ये तो मुझे पता है यार, देख देख के ना मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई। काफ़ी गरम गरम लग रहा है यार, फेस के पास बहुत गरम हो गई है ऐसा लग रहा है यार। जल्दी जल्दी करूं, मेरे बालों में से धुआं निकल रहा है, बालों में से गाइस धुआं निकल रहा है। अगर थोड़ा सा भी देर इसको रुक रही हूं, मैं इसको रख के रुक रही हूं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में धुआं निकल रहा है गाइस। या सो क्रीम पर कुछ इस तरीके के हुए हैं गाइस, देख सकते हो आप। क्रिम्पिंग भी मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है क्रिम्पिंग भी। ज़्यादा वैसे नहीं है, ज़्यादा
एकदम ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पर जैसा भी हो रहा है वैसा अच्छा लग रहा है। जैसा भी हुआ है नेचुरल लुक आ रहा है, क्रिम्पिंग भी मुझे अच्छी लग रही है गाइस। और अब मैं करती हूँ स्ट्रेट, सो स्ट्रेट देखते हैं। स्ट्रेट तो मेरे ऑलरेडी हैं तो इसमें आई डोंट नो, पता चलेगा कैसा क्या स्ट्रेट हो रहा है, पता चलेगा या नहीं। सो ये मैं बालों का सेक्शन ये मैंने ले लिया है, या स्ट्रेटनर पहले मैं ऑन कर ले रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं अपने कर्ल वाले बाल जो हैं उन्हीं पे स्ट्रेट करके देखती हूँ ताकि उन्हीं पे मुझे पता चले। थोड़ा कम सेक्शन लेती हूँ। एक बार में तो नहीं हुआ, दूसरी बार में करके देखती हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के स्ट्रेट हो रहे हैं बाल एकदम, बहुत जो नेचुरल एकदम स्ट्रेट जो होते हैं बहुत अच्छे वाले वो स्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। इसको मैंने कर दिया है ऑफ। सो जो एकदम नेचुरल जो स्ट्रेट होते हैं, मतलब नेचुरल नहीं कह सकते हैं, जैसे ये मेरे नेचुरल स्ट्रेट हैं आप देख सकते हो अगर, और ये है मेरे स्ट्रेट किए हुए बाल अभी जो मैंने किए हैं। सो इनमें और इनमें आप देख सकते हो कितना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये कि ये जो मैंने स्ट्रेट किए हैं थोड़े छूने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी छूने में अच्छे लग रहा है, और जितना हीट टूल्स हम लोग यूज करते हैं उतने बाल जो है डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो है अच्छे तो लग रहे हैं मुझे बाल, बट मुझे जो कर्लर है और क्रिम्पर है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और स्ट्रेटनर इसलिए नहीं क्योंकि स्ट्रेटनर अगर मुझे स्ट्रेट कराने होंगे अपने बाल तो मेरे बाल तो ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, और अगर मुझे और स्ट्रेट कराने तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट वाले कराऊंगी। सो बिल्कुल स्ट्रेट तो इससे नहीं होंगे, जो एकदम स्ट्रेट जो होते हैं वो इससे नहीं हो रहे हैं, ठीक ठाक हो जा रहा है। एक हल्का सा जो है एक फिनिश आ जाएगा, लेकिन आप कहो कि बहुत अच्छे वाले स्ट्रेट हो रहे हैं वो चीज़ नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर डेली यूज़ के लिए आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज़ में हम तीन तीन चीज़ें या चार चार चीज़ें नहीं ले पाते, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर, फिर हेयर क्रिम्पर और हेयर कर्लर, और उसके बाद जो है हेयर ड्रायर, तो ये चार चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो तो चार चीज़ें अफोर्ड करना किसी के लिए उतना ईजी नहीं होता है। और हम स्टाइल तो हर तरीके का करना चाहते हैं, लेकिन जो पैसे हैं वो हम सोचते हैं कि कम से कम लगे। तो जो लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं और तीनों चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो ये परचेज कर सकते हैं, बिकॉज़ कम पैसों में तीन धमाका आप तीनों स्टाइल कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए करना चाहते हो तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए उतना बेटर नहीं है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो फिर अलग ही अलग जो अच्छे वाले होते हैं और अच्छे वाले वो लेना पड़ेगा। सो कैसा लगा आपको आज का इसका रिव्यू? और बस इसमें ये है ना कि इसमें एकदम धुआं सा निकलने लगता है अगर एकदम गर्म होता है, तो ये चीज़ रहती है। और वायर इसकी काफ़ी लंबी है, मैंने बहुत दूर वायर लगाई है, और मुझे इसका कर्लर और क्रिम्पर अच्छा लगा। ये मेरे बाल क्रिम्प किए हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, जब ये मैं सारे बाल क्रिम कर लूँ फिर कोई हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज ये था आज का रिव्यू प्लस डेमो। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय गाइज।